बीरानी वैगी सैती पट दूर चासे माँ के सु। दर्शन करने के लिए माँ की प्रथम दोस्त भी घर में पधार चुके हैं। बारिश में चैनी तो माँ जी की दूसरी दोस्त भी पधार चुकी है। आपका भी सोना खाना सा आराम हो रखा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि उसका भाई बने अपना बिल्कुल है। अगर आपको तभी भरोसा नहीं हो तो हम इनका खून मैच कराएंगे। माँ अब कब आएगी? और बोलते शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अब देखिए जी पहाड़ों में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कुछ, और किसी ने यहाँ पे काट रखा इसको। आज लौंडे दिख रहे हो आज भाई, जब उस तरह लगता है गले पे भाई, कोई लड़ाई लड़ाई तो नहीं ना हमारी। कभी गरीबों घर भी आए कर। अरे वाह अनिता भी खुश हो गए अपने दादा को देख के। खाना खाना मिल रहा है ससुराल में? ना ना हिसाब मत बता, हिसाब अपने पति को बताना। हमें हमें क्या बता रही साहब? ए राम राम, ये तो 1.5 किलो बोल रही थी, 1.5 किलो केक। तेरे को मिल गया चाय? जिसने 1.5 किलो का केक ऑर्डर करवा रखा है आज तेरे को काजल से मिलाते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ इतना पता है कि कल इसकी लड़की का जन्मदिन है और उसके लिए इसने 1.5 किलो केक ऑर्डर करवा रखा है। चलिए जी सुबह का टाइम हो रहा है और बाहर का नजारा, अरे चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो देखिए जी सुबह 5 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और मौसम पूरा पैक हो रखा है। और ठीक सामने देखिए कौनगढ़ गांव के ऊपर जो पहाड़ी है वहां भी धीरे धीरे कोहरा छाने लग गया है। और सच बताऊं तो इस बार गांव वालों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, यानी कि जो धान की रुपाई कुछ महीने पहले की थी वो सारी बर्बाद होने वाली है अब, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब बिल्कुल बारिश नहीं चाहिए थी। गांव वाले बोल रहे कि हे भगवान हमने क्या गलती की, क्यों इस बारिश को करवा रहा है। अब ठीक नीचे खेतों में देखिए धान तो बिल्कुल पक के तैयार है, अब इसकी लवाई होनी थी, लेकिन क्या करें बारिश ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। और अगर बारिश 1-2 दिन ऐसी रहेगी तो पूरा धान सड़ जाएगा। ठीक गौशाला की बात करें तो मधुर को सुबह सुबह अंदर बांध दिया गया है और बाकी गौशाला में पूरी जगह गीला गीला हो रखा है। अब लगाइए आज है 18 सितंबर, यानी कि आज से 8-10 दिन पहले ही बारिश में चले जाना था, लेकिन देखिए अभी तक भी बारिश हो रही है। और बाकी ठीक सामने जो डांडा है इसको बोलते हैं नीलाका डांडा, वहाँ देखो कितनी ज्यादा मात्रा में कोहरा छा रखा है। और ठीक सामने जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ भी देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। अब इस बारिश से बेचारे पक्षियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो बेचारे भी सोलर प्लेट के नीचे आराम से बैठ रखे हैं। और सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि माँ भी कहीं नहीं गई, माँ भी अंदर बैठ रखी है। तो माँ भी बोल रही है कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो मुझे तो बल घास के लिए जाना ही है। अब देखिए जी बारिश की जो रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो चले एक बार अंदर चलते हैं। और बाकी यहाँ देखिए माँ भी मस्त करके रजाई में सो रखी है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया कि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया बाहर। माँ सो रखिए? तो माँ बोल रही बाहर पर बारिश लग रही है, आज मैं थोड़ा सो जाती हूँ, चल आराम कर ठीक है। तो माँ बोल रही 4 बजे जाएगी बल घास के लिए, है चल ठीक है सो जा, गुड नाइट। चलो भाई माँ की जो अब 4 बजे तक घर में टिकने की गुंजाइश थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि माँ के दोस्त का फोन आ गया है कि चल घास के लिए, अब तो मतलब नहीं माँ घर में टिक जाए। और बाहर के नजारे को देख के अभी लग नहीं रहा कि अभी दिन की 12:15 बज रही है। तो अनिता तो सुबह ही स्कूल चले गई थी, अब देखो अभी 1-1.5 बजे आएगी वो घर। और अपनी माता श्री तो अब सीधे किचन में चले गई है। माँ क्या अब नहीं करेगी आराम? माँ बोल रही है बल दोस्त आ रही है, अब घास के लिए जाती हूँ, उससे पहले बोल गर्मा गर्म चाय बना रही है। और पहले बोल रही थी कि 4 बजे तक सोई रहूंगी आज। अच्छा यही आ रही तेरी दोस्त? चल तेरे दोस्त को घर ही में आ रही, चल तेरी दोस्त को पूछता हूँ आज की क्या बात है। चैन आराम हो रखा क्या? चलो भाई क्या ही बोले, माँ को मैंने बोला ना कि अपने से ज्यादा फिक्र मधुरी और काजल की है। तो माँ के दर्शन करने के लिए माँ की प्रथम दोस्त भी घर में पधार चुके हैं। भाभी जी प्रणाम, क्या हाल है? बारिश में चैन नहीं है? ओहो मेले तो है पर तुम्हारा चैन कहाँ गया? क्यों हो रहा है उद्भट, क्या बात है, इंद्रदेव को हरा रहे हो? ये घास घास वाले बहुत खतरनाक होते हैं। तो माँ जी की दूसरी दोस्त भी पधार चुके हैं। भाभी जी प्रणाम, आपका भी सोना खाना सा आराम हो रखा है, और साथ में भाभी जी ने बरसाती ला रही है, साथ में दतरी पकड़ी है। पहले माँ को फोन कर दिया आगे टाइम की, तैयार रहे तू भी है?
आराम आराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था है? चलो ठीक है चाय बन रही, पहले चाय पी लो। बाकी अंदर तो माँ जी की मित्र मंडली आ रखी है, और यहाँ मेरे परम मित्र संजू आ गए। हाँ भाई, जो ITBP संत है उसका बड़ा भाई है ये। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि उसका भाई है अपना। बिल्कुल है, अगर आपको तब भी भरोसा नहीं हो तो हम इनका खून मैच कराएंगे, DNA टेस्ट कराएंगे साहब, आप बस कमेंट करो। और माँ ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय ला दी है, और बाकी ये बता रहे कि जो संतु है सोरख वाला भी मस्त करके है। अभी से अपना जो बैटरी है ना चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग इस बार है लद्दाख, तो वहाँ तो बोल रात को -25 degrees तक टेम्परेचर चले जाता है। बाकी चले जी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। हालांकि हसीन वादियां तो नहीं है अभी, कोई नहीं चाह रहा कि बारिश हो, क्योंकि अब धान की लवाई करना शुरू करेंगे लोग। क्या लग रहा तुझे इस बार धान बर्बाद होगा? बर्बाद हो गया, हो गया नहीं यानी कि एक दो दिन और रहेगी, बारिश तो गया गया। फिर हमारे तो इस बार 10,000 रुपया दिहाड़ी लगी यार, मुझे तो उसका बुरा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या है। भगवान ऐसा मत करना, बारिश रुका दो, गांव वालों की मेहनत है बड़ी मुश्किल से, तो गिने चुने लोग खेती कर रहे हैं, और अगर भगवान ऐसा करेगा तो कल के दिन सबका भरोसा उड़ जाएगा, खेती से भी और भगवान से भी। चलो भाई, तीनों मित्र मंडली की तैयारी हो गई है जंगल में घास के लिए जाने के लिए। माँ अब कब आएगी? 12 बजेगी। ओहो, पूछना पड़ता है ना, बहुत जरूरी है। चलो वह माँ और माँ के दोनों दोस्त चल पड़े जंगलों में घास के लिए, और बाकी संजू भी चलेगा अपने घर। तो ये जा रहा है जैकेट पहनने, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो गया मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। और मैं भी जैकेट पहनता हूँ, नहीं तो ठंडा ही हो जाऊंगा हमेशा के लिए। अब देखिए जी, सितंबर का महीना है और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि जैकेट पहननी पड़ रही है, ऐसा लग रहा मानो बर्फ गिरने वाली हो। बाकी चलो भाई, मेरी और संजू की तैयारी होगी मार्केट जाने की, तो जिनके यहाँ से मैंने अपने घर में BSNL फाइबर लगवा रखा है तो उनका भी पेमेंट पूरा करना है। अभी कल पेमेंट नहीं हुआ था तो आज जाता हूँ। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर मा बड़ी आगटनी नननननननन। बाकी रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि जो हमारे गाँव का ये मेन रास्ता है इसमें सड़क का सारा कबाड़ा आ रखा है। और बाकी मुझे अनिता के स्कूल के बच्चे भी दिखाई दे रहे, तो यानी कि उसकी भी छुट्टी हो गई है। और बोलते शैतान का नाम दिया, शैतान हाजिर। बस 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 बस। और आ गए तो स्कूल से? कितनी थप्पड़ खाए आज? थोड़े भी नहीं खाए। चलो थप्पड़ मार दिया करो तभी भला होगा। चल मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है? तेल लाना भी कुछ खाने ले, कैमरे पे बोल, सूप मोमो। हाँ बोल बोल बोल, क्या लाना? जल्दी बोल जल्दी बोल, मोमो। चल ठीक है लेके आऊंगा, चल घर जा तू आगे। हैं बाय बाय बाय। बाकी ठीक नीचे देखिए, संजू की माँ जी मस्त करके छत के ऊपर घूम रहे अभी, और भाभी जी देख रहे हैं कि हमारी लौकी लगी कि नहीं लगी। भाभी जी थोड़ा हाय करो, हाय। ए वाह वाह वाह। देखो भाई, जब मैं स्टार्टिंग में गांव में वीडियो बनाता था तो इनको कुछ पता ही नहीं था, तो पहले मुझे सब बोलते थे हमें मतलब वीडियो में शर्म आती थी ना भाभी लोगों को, लेकिन अब सब लोग जैसे कैमरा खुलता है हाय करते हैं। मतलब समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर थारा भाई नहीं बदलेगा कभी। अब देखिए जी, पहाड़ों में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कुछ कि उनकी सोच को सलाम है भाई। अब देखिए, ये जो पाइप है ये हमारे गांव के लिए जा रहा है, यानी कि हमारे गांव का जो मेन पीने का पानी है वो इसी पाइप से जाता है, और किसी ने यहाँ पे काट रखा है इसको, पता नहीं क्या जलन है भाई। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी बहुत कम आ रहा है गाँव में। देखो भाई, आजकल तो बच्चों के पास बाइक पड़ गई। हमारे जमाने में तो भाई साहब ये सपना होता था, बाइक तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं होती थी। नहीं क्या बोलता है? लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 8वीं 9वीं में जो बच्चा है उसके पास या स्कूटी है या बाइक है, फिर पढ़ाई क्या करेगा वो? अभी से उसको आपने वो सुविधा दे दी जो उसको खुद पढ़ने के बाद कमाने के बाद लेनी थी, लेकिन आप लोगों ने बिना मेहनत को उसको दे दिया। अरे तो पढ़ाई करेगा तो तबाही करेगा। तो बारिश हो धूप हो छांव हो, मार्केट में तो रौनक हमेशा बनी हुई रहती है। तो जिनके यहाँ से मैंने कल BSNL फाइबर लगवाया है तो इनका भी पेमेंट करता हूँ। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? आज लौंडे दिख रहे हो आज? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है भैया, हिसाब फाइनल। बाकी हमें उम्मीद है कि हमें भी स्पीड मिलती रहेगी। चलो ठीक है फिर। बाकी ठीक सामने वाली दुकान पे देखो, ये मेरा क्लासमेट है, हमने 2013 में इंटर पास आउट किया, और भाई ने तो मस्त रोजगार पकड़ लिया, यानी कि लकड़ी का काम करता है। हेलो अर्जुन, क्या हाल है? कितने लाख रुपए कमाए तूने? ठीक ठाक कमा दिए तूने? चल बढ़िया बढ़िया, लगा रहे। चलो भाई, जब मार्केट आया गया हूँ तो थोड़ा दाढ़ी वाली बना लेता हूँ। लौंडे क्या कर रहा है? अरे लौंडा बना दे मेरे को भी यार, तेरा गुरु कहाँ है? अरे नहीं आए अभी? ओहो, जो हेड ऑफ चार्ज है यहाँ के वो घर जा रखे हैं, अभी नहीं आए।
भाई जब उस तरह लगता है ना गले पे घबराहट होती है भाई। हल्का इधर उधर हो गया भाई, कोई लड़ाई लड़ाई तो नहीं ना हमारी, प्यार से लगा है। ओहो ओहो ओहो, आवाज वाली जगह पे मार रहा भाई। चलो मैं दाढ़ी भी बना दे मस्त करके, अब जाके जवान लग रहा हूँ। अब चलते हैं घर के लिए। चलो जी, घर जा ही रहा था तब तक यहाँ दीपिका मिल गई, अनीता की सबसे बड़ी बहन। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं आज घूमने? और भांजी कहाँ है? घर में। अच्छा, मस्त करके घूम रहे हैं। चलो ठीक है ना, चल ठीक है। कभी गरीबों के घर भी आया करें, शादी से पहले बहुत आती थी लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, वायरस घुस गया कुछ है। चल ठीक है ठीक है। बाकी चल लीजिए, कल हमारी छोटी भांजी का जन्मदिन है, यानी कि इसकी बेटी का, तो भांजी को एडवांस हैप्पी बर्थडे। वैसे उसने मेरे को बुलाने रखा पर मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, ठीक है? बुलाने हाँ, अब क्या पता आप बुला दे, कोई भरोसा नहीं। चल ठीक है फिर, ध्यान रखना उसका। अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, जब परसों मैं देहरादून गया था तो बहन उसके अगले दिन यहाँ आ गई थी स्पेशल बोलने। बाकी भांजी का बर्थडे है, कोशिश तो पूरी करेंगे जाने के लिए। पहला जन्मदिन है भाई, मामा का जाना तो जरूरी है। चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया और बाकी अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। हेलो अनिता, अरे बाहर आओ तो। आनी खारे लिए मैंने बेसन ला रखी है। तो अनिता ने मुझे कॉल की, भैया बेसन लेके आओ, आज बल कड़ी बनाते हैं। मन का कड़ी बड़ी फड़ी बिल्कुल बनेगी। ला तेरे मामा मंगाए थे तूने एक फुल प्लेट, ले खा आराम से, ठीक है? हाँ वेलकम। और बाकी अंदर अभी अनिता गर्मा गर्म चाय बना रही है, क्योंकि मित्र को बिना चाय के तो नहीं भेजूंगा मैं, और अगर भेजना भी चाहूँ तो खुद जाएंगे भी नहीं। बाकी भाई साहब सुबह 4-5 बजे से कंटिन्यू अभी तक बारिश हो रही है। बाकी चले जाए, अनिता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बाकी ठीक सामने वाले तार पे देखिए, बहुत सारे कबूतर बैठ रखे हैं और बीच में एक घुघुती भी बैठ रखी है। तो समय अभी लगभग दिन की 3 बजने वाली है और संजू भाई की तैयारी भी हो गई अपने घर जाने की, क्योंकि ये खाना खाएगा। और बाकी बाहर को देख के अभी लग नहीं रहा कि अभी दिन की 3 बज रही होगी, और इतना ठंडा हो गया मौसम की मन कर रहा है कि रजाई में सो जाएं अभी। चलिए जी, दिन की अभी 3 बज रही है और फाइनली भाई दीपिका घर आ गई है, यानी कि मैंने इसको मार्केट में बोला था कि घर आ जाना, तो मैंने सोचा नहीं आएगी लेकिन आ गए भाई बड़ी मुश्किल से अब। और साथ में नाना जी भी आ गए। अच्छा, नाना जी भी आए तेरे साथ? तभी आए तू, नहीं तो तू नहीं आने वाली थी। हैं मतलब ही इसका नाम है मतलब ही। चलो भाई नाना जी भी आ गए। नाना जी प्रणाम। फिर सोते पानी कहाँ, बस जबरदस्ती फिर भी पूछना पड़ता है, क्या करें नी? सही बात सही बात सही बात है। अरे वाह, अनिता भी खुश हो गए अपने दादा को देख के। हैं ये बाबा, क्या स्माइल आई इसके चेहरे पे है, इसके चेहरे पे डबल स्माइल। इसका दादा भी आ गया और साथ में इसकी दीदी भी आ गई है। ठीक है तू, खाना खाना मिल रहा ससुराल में? हाँ तब ठीक है। और बाकी कल भाई भांजी का जन्मदिन है, तो इसने सारा जो भी सामान होता है अंदर का सेट है वो ला दिया है। कितने का पड़ा है? 250 का। हाँ ठीक ठाक, चप्पल लगा दी किसी ने तेरे पे। ले इसमें दरअसल वो है जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है, जो ये बना हुआ है, और ये किसी ने इसको 250 का लगाया। दरअसल इसकी पहले से आदत है, जब ये दुकान जाती थी तो हमेशा लुट के आती थी ये नीना जी, पहले से थी ना इसकी आदत, हमेशा घाटा खा के आती थी। अब दरअसल इसको बार्गेनिंग करने तो आती नहीं है और पैसा भी इसके पास ठीक ठाक है। चल कोई नहीं कोई नहीं, अभी खोल रही उसको है। अरे हो गया हो गया, ना ना हिसाब मत बता, हिसाब अपने पति को बताना, हमें क्या बता रही हिसाब, हमें नहीं चाहिए बहन हिसाब। इतना मेरे को पूरा भरोसा, लुट तो गई तू, ठीक है? और देखो अभी ये क्या बोल रही थी कि 1.5 पाउंड का केक इसको किसी ने 800 का बताया। बल अब बता, 1.5 पाउंड 800 का आता? इसको पता ही नहीं पाउंड क्या होता पहले नहीं? ए राम राम, ये तो 1.5 किलो बोल रही थी, 1.5 किलो केक। भाई साहब 1.5 किलो केक, क्या चीनी हो? चल ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी इसने भांजी के लिए छोटी वाली टोपी भी ला रखी है, बर्थडे टोपी है। वाह वाह वाह, ले सो तू पहन जरा। अरे पहन ना, अरे तू तो बच्चिया मार ले, चल पहन जरा। तो भाई साहब जो जो इसने ला रखा सारा सामान खोल रही है और हमको दिखा रही है। तो देखो भाई, ये इसने अपनी बेटी के लिए फ्रॉक ला रखी है, ये 1 साल की होने वाली है वो कंप्लीट है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे वाह, ये फ्रॉक तो अनिता पे भी आ जाएगी नी। ये देखो गाइस, गाइस किसने सिखाया तेरे को? गाइस भैंस है। तो चलो भाई आज का टेस्टी खाना भी आ गया, और बाकी आज के खाने में अनिता ने बना रखे घर के लाल चावल और साथ में स्वादिष्ट कड़ी। तू भी खा है?
वैसे इसने मेरे को थोड़ी देर पहले मना किया था मार्केट से कि मैं नहीं खाऊंगी खाना, लेकिन इसने कड़ी देखी तो इसको भूख लग गई। खा आराम से, चल कैमरा बंद कर रहा हूं मैं अब। बाकी चलो भाई, अनिता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी, बाकी चाय के बांटे वहीं पे लगा रही है अभी। चल दे चाय सवास, और स्पेशल बड़ा गिलास जो है नाना जी के नाम से है, और छोटे छोटे बच्चे वाले गिलास हमारे नाम से आ रखे हैं। और बाकी तेरे को मिल गए चाय, जिसने 1.5 किलो का केक ऑर्डर करवा रखा है। तो समय अभी 4:15 बज रही है, और बाकी मधुली और काजल को बाहर निकालने की तैयारी भी हो गई है। बाकी जो मधुली का गलियांडा है वहाँ पर घास की पुली भी रख दी है। हेलो सुन, आज तेरे को काजल से मिलाते हैं, ठीक है? तो आज जरा दीपिका को मिलवाते हैं काजल से, देख तू कितनी खतरनाक है वो, और हमारे काजल का भी बर्थडे आने वाला है, उस दिन इसको बुलाएंगे हम। ये आ गई अपनी पगली, ये बड़ी इज्जतदार है, आते उस सीधे अपने गजांडे पे चली जाती है, उसको पता रहता है कि वहाँ पे घास रखा हुआ उसके लिए। और बाकी अंदर से अब काजल पगली भी बाहर आने के लिए बेताब हो रखी होगी। तो चलिए जी, फाइनली अब काजल पगली भी बाहर आने वाली है। आजा 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 सवास, आजा पगली, आजा आजा आजा। अरे वाह, उसको तो पहले दूध चाहिए भाई, ये देखो खींच, अनिता की सारी जान चले गई। आजा छोड़ दे छोड़ दे, ओ भाई साहब ये देखो, अरे वाह ये है भाई काजल पगली, ये अरे रे 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 रे। चल 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 शाबाश। तो इसको दीपिका बांध रही है अभी। तो कैसी है भाई हमारी काजल? बहुत अच्छी है ना, तेरे से अच्छी है ना? हाँ हाँ, तब ठीक है। हमारी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई है भाई, क्यूटी इधर आजा, क्यूटी ए कुटी ए कुटी हे कुटी। पर बाकी वैसे ही रुकी हुई थी माँ को मिलने के लिए, लेकिन माँ का जाने का टाइम तो फिक्स होता है लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। और फिर ऊपर से इसने अपनी बेटी के पास भी जाना, क्योंकि उसको भूख लगती है, वो दूध पिएगी क्यों है? अगली बार कब आएगी, कितने साल बाद आएगी यहाँ? ये वही है जो खतरनाक इंग्लिश बोलती थी कभी। अच्छा एक चीज पूछना तेरे को, इधर 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 खड़े होना, इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं बता बता। तो आप इसके साथ मेरे पुराने ब्लॉग देखना, तब ये बोलती थी इंडिपेंडेंस डे है। अब क्या करें, समय बदल गया, उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे वाली हो गई, अब उस टाइम तो छोटी थी। चलिए समय समय की बात है। और बाकी बहन की तैयारी भी हो गई अपने घर जाने की। बाकी इसका जो घर है ठीक सामने जो धार है, जिस गांव के लिए वो सड़क कट रही थी इसी धार के पीछे है। बाकी वो सड़क आधा वहीं तक कटी, उसके बाद वो सड़क का काम रुक गया है। क्यों रुका भाई तुम्हारे गांव की सड़क का काम? पता ही नहीं, इसको नहीं पता, एक्चुअली इसकी भी गलती नहीं है, इसको सिर्फ इतना पता है कि कल इसकी लड़की का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, और उसके लिए इसने 1.5 किलो केक ऑर्डर करवा रखा है। भाई साहब जैसे हमारे घर में आए ना, भैया 1.5 किलो केक कितने का मिलता है? मैंने कहा 1.5 किलो केक। तो कोशिश करेंगे कल इसके बेटी के जन्मदिन में जाने की, यानी कि मेरी भांजी के जन्मदिन में जाने की। बाकी देखते हैं इसका 1.5 किलो का केक कैसा है। केक जरूर देखना, 1.5 किलो वाला। पाउंड तो हमने बहुत खा लिया केक, लेकिन किलो वाला केक खाना क्यों? ये पहले से ही खतरनाक कलाकार रही है, कुछ भी इससे बुलवाओ ये बोलने में परफेक्ट दी नहीं। क्यों भाई? हाँ। और बाकी अनिता भी जा रही है इसको आधे रास्ते तक छोड़ने, क्योंकि अनिता जाएगी पनियारा यानी कि पानी के लिए। बाकी देखते हैं कल 1.5 किलो का केक खाने आते कि नहीं आते हम। है 1.5 किलो बोला। हाँ। हाँ। और मुझे तो लग रहा दुकानदार भी थोड़ा शौक हो गया होगा, ये कौन है 1.5 किलो वाली, वो भी किलो के हिसाब से बना रहा होगा उस केक को पक्का। उसने भी बाट ले गया होगा, उसके ऊपर तोड़ रहा होगा उसको, 1.5 किलो हुआ कि नहीं हुआ, तभी नहीं होगा 1.5 किलो, तभी नहीं होगा वो 1.5 किलो। सही बात है। चलो अब इसको जाने देते हैं, बाकी माँ तो अभी नहीं आने वाली, माँ पता नहीं कब आती, माँ का तो भरोसा ही नहीं अभी। चल ठीक है फिर, एडवांस हैप्पी बर्थडे भांजी के लिए, तेल लेनी है ठीक है? हाँ थैंक यू, बोल बोल इंग्लिश में तो परफेक्ट थी तू पहले। थैंक यू, हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी ठीक सामने छत के ऊपर देखिए, बानर महाराज भी मस्त करके एंजॉय कर रहे हैं। हेलो ओ भाई, अबे नाम क्या तेरा, हेलो क्या हाल है? ए भाग्या भाग्या भाग्या। चलो बहन की विदाई हो गई, अब इसके लिए गाना गाते हम, और मेरे सब्सक्राइबर हमेशा चाहते हैं वैसे मैं गाना गाऊं, तो इसकी विदाई में एक गाना, मेरी लटुली मेरी लाडी लठियाली आज सा देखदा देखदा बीरानी वैगी सैती पाली। मुझे भी याद है कब जब पहले यहाँ आती थी ना, तो यहाँ से जाने के लिए रोती थी कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं, नहीं आज खुशी खुशी जा रही है भाई। ये भी समय होता है भाई, और पहले यहाँ आती थी तो इसको मन नहीं करता था यहाँ से जाने का। फिर चल ठीक है ठीक है, छोटे का ध्यान रखना है। और बाकी अनीता ले गई छोटी बहन का बैग।
और बाकी अनीता ले जा रही है आधे रास्ते तक इसका बैग, और ये आधे रास्ते तक अनीता का बंटा ले जा रही है। चल ठीक है फिर, बाय बाय, ओके, टाटा, सी यू, देखते हैं कब मिलते हैं, सी यू, कल का कल ही देखेंगे अब, ठीक है, चल ठीक है फिर, चल देखेंगे। हे बीजी जांदी लाटी पट दूर चस सूर गाड़ स्यूली पाटी। चलो भे, बहन भी चले गए अपने ससुराल, अब उसका वही घर है भाई। आज तो वह पूरे दिन भर मौसम बादलों से घिरा हुआ रहा, यानी कि सूर्य देव के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए आज। तो अनीता भी आ गई है पन्यारे से पानी लेकर, चले गए हो? चल ठीक है। तो शाम की 5 बज रही है और माँ भी आ गई भाई घास की भारी लेकर, जय हो प्रभु जय हो। तो चलो भाई, देश का जवान भी आ गया हमारे घर, आ भाई। और भाई किस बंदे को सुबह फोन किया, ये बोल रहा मैं मस्त करके सो रखा, बल मैंने कहा सिपाही सो रहा है और हम जो नागरिक है मस्त करके घूम रहे हैं। अब इसकी जो असली ड्यूटी लगी वो तो 21 तारीख के बाद ही लगेगी अब लद्दाख में, खतरनाक ढंग से। तो अनीता लगी आज मच्छर मारने पे, बहुत ज्यादा मच्छर आ रखे हैं आजकल। दरअसल ये जो हरी भरी घास है ना, ये जब सड़ रहे हैं तो उसके बाद मच्छर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो मच्छर घर के आसपास ही आ रहे हैं, तभी अनीता लगी है ताली बजाने पे, हैं? लेकिन सिर्फ ताली बजा रही है, मार नहीं पा रही। कल तो इसने मेरे गाल पे एक मच्छर था कि नहीं था, लेकिन एक चपेड़ा मार दे मेरे को, फिर बोल रहा कि मच्छर था बोला आपकी गाल पे। ये इसका तरीका है थप्पड़ मारने का। बाकी चलिए जी, मैं और फौजी भाई तो जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि सामान लाना कुछ मार्केट से। बाकी आगे का ब्लॉग बनाएगी अनीता, ठीक है? बस बस, ब्लॉग तो बनाएगी, ठीक है? हेलो, ओके, कुछ भी बना तू। तो भैया लोग जा रहे हैं अभी, ठीक है फिर, बाय भैया, मेरे चीज लेके आना, चॉकलेट। भैया तो घूमने चले गए हैं और मैं भैंस को पानी देती हूँ। काजल डांस कर दे बाबू, डांस कर तो या ब्रो या। और काजल घास खा रही, काजल घास खा रही। मधुरी तो पानी नहीं पी रही और अब मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। चाय भी बन गई है और अब मैं जल्दी जल्दी बुआ लोगों को चाय देती हूँ। दादा ला चाय। थैंक यू, वेलकम। और अभी हो रहा है टाइम 6:21 और भैया लोग भी आ गए हैं। हाँ जी आ गए, जो मार्केट में दूध लगा रखा उसके खाली डब्बे भी ला दिए हैं। अच्छा, और भैया आपने क्या लाया? सर्फ लाई मैंने, और मैंने अनीता के लिए चॉकलेट ला रखी है। थैंक यू, इतनी सारी चॉकलेट आई देखा। थैंक यू भैया, खा फ्लैश बंद कर। और अब मैं खाना बनाती हूँ, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।